तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप सभी लोग अपने राजनीति शास्त्र विषय के पेपर का पूरा मिलान कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल उसी प्रकार का आपका परीक्षा में पूछा गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप सभी लोग यहाँ से इसका पूरा का पूरा मिलान कंप्लीट कर लें ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे टोटली पेपर में वही पूछे गए हैं। आप चाहे तो यहाँ से इसको देख सकते हो, प्रश्न नंबर 7 वगैरह 8, ये सभी के सभी जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे टोटली पेपर में उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फिर भी एक बार प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से अपने पेपर का पूरा मिलान कंप्लीट कर लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कि आपके 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनमें से कितने नंबर के आपके सही हुए हैं। तो चलिएगा हम जल्दी से इसका पूरा मिलान कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर वैसे तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा ना तो कठिन था ना ज़्यादा सरल था, ऑब्जेक्टिव वैसे काफ़ी ज़्यादा सरल थे और ये जो क्वेश्चन आंसर थे वो थोड़े बना के ज़रूर आए हैं इसमें। मगर प्यारे विद्यार्थियों आपने अगर साल भर टॉपिक को अच्छे से समझा होगा तो आपने इनके उत्तरों को बहुत ही अच्छे से लिख दिया होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सभी प्रश्न और उनके उत्तरों को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके जो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी का सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें से 32 नंबर में से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सही हुए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, और इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि आप सभी का जो आपका लास्ट पेपर बचा है इतिहास विषय का और समाजशास्त्र का, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया है। आप लोग आपका जो भी सब्जेक्ट है इतिहास हो या समाजशास्त्र हो, आप लोग उसकी तैयारी में लग जाए और उसकी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए हैं और कैसे आपको इसका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये जो है फ्रांस से लिए गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1952 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? तो ये लोकसभा में रखा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है? तो देखिएगा ये जो है राजनीतिक दर्शन है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरा के समर्थक हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसके समर्थक कौन है? मेकाइवर, लॉस्की और रूसो। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिस शब्द किस भाषा का है? तो देखिएगा ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके प्रश्न नंबर 1 में से कितने नंबर के आपसे सही हुए हैं। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें, देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं। यहाँ से हम रिक्त स्थान का पूरा मिलान कर लेते हैं। तो देखिएगा रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थे। मगर प्यारे विद्यार्थियों, ये विभाजन के पहले की स्थिति थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो भारत में 299 पूछे गए थे। वैसे 399 या 299 जो भी आप लिख के आए होंगे दोनों ही सही होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। उसके बाद में सामाजिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोजगार का अधिकार काम के अधिकार के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकों को नागरिक तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो जन्मजात नागरिकता इसको कहा जाता है या जन्म से प्राप्त नागरिकता भी आप लोग इसको लिख सकते थे। आपने चाहे ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, दोनों ही आपके सही होंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1866 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का इसका पूरा मिलान कंप्लीट कर लें। प्रश्न नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से जोड़ी का मिलान कैसे आपको पूरा कंप्लीट करना होगा यहाँ से आप लोग देख लें। देखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था प्यारे विद्यार्थियों वैसे। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से देख लें, मौलिक कर्तव्य वैसे मैंने यहाँ पर आपको अमेरिका से बताया है, मगर जो भी आपको लगे वैसे ये अमेरिका से नहीं रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, मगर यहाँ पे अमेरिका दे दिया गया है। अब हो सकता है कि मिस प्रिंट हुआ हो,
वैसे मैंने ये किया, पहले सबका जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लिया, अब जो ये मौलिक कर्तव्य बचा उसके लिए सिर्फ अमेरिका बचा था। वैसे यहाँ पर रूस होना चाहिए था क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य की जोड़ी का मिलान आपको अणा से कर लेना था, अमेरिका। आरक्षण की व्यवस्था जो है भारत में है, और उसके बाद में जीवन का अधिकार क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद में देशीकरण एक क्या है, कानूनी प्रक्रिया है। और राज्य का तत्व क्या है, निश्चित भूभाग है। और आपातकाल जो है 1952 में लगाया, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको लगाया जाता है। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे। और जोड़ी के मिलान के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिएगा, ये बिल्कुल असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य हैं। तो देखिएगा, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता देश के विकास में साधक है। तो देखिएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की घोषणा पर लाहौर में 1929 में बैठक हुई। तो देखिएगा, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। तो देखिएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी को ये सत्य असत्य देख लेने हैं और समझ लेने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तरों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे लिखना होगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या है लिखिए। तो देखिएगा, इसका उत्तर देखते हैं हम, भारत के लोग, इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है। अगर आपने इसको पूरा लिखा होगा तो इसका आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक पद ग्रहण करना कौन सा अधिकार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये जो है मूल अधिकार है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत क्या है। तो देखिएगा, इसका सिद्धांत कहता है कि स्वयं पर निर्भर होना ही आत्मनिर्भरता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा, सभी धर्मों को समान महत्व देना ही धर्मनिरपेक्षता होती है, यानी कि किसी भी धर्म के साथ में कोई भी भेदभाव ना किया जाए, यही धर्मनिरपेक्षता है। और धर्म, देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, यही धर्मनिरपेक्षता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो देखिएगा, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नगर निगम की आय का प्रमुख साधन क्या है। तो देखिएगा, इसका मुख्य साधन तो वैसे राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान भी होता है, गृह कर भी होता है, संपत्ति कर भी होता है, जल कर भी होता है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको इस प्रकार से समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने नंबर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपके आ जाएंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पूरा पेपर का मिलान यहाँ पर आपको बता दिया है। ये प्रश्न नंबर 11 लिखा है, 12 लिखा गया, 13 लिखा है, 14 लिखा, 15 लिखा है, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 16, 17, 18 और ये 19, 20 और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये 21वां, 22वां और 23वां क्वेश्चन लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसके मिलान को पूरा कम्प्लीटली समझ लिया, मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक एंड स्क्रीन के रूप में यहाँ पर आपका जो इतिहास विषय है उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप लोग उसकी तैयारी जरूर कर लें अच्छे से। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।